हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम आपको दिखाएंगे देग पकाने का तरीका। तो ये सामान आप यहाँ बटाटे पड़े हैं और ये टमाटर बहुत महंगा है, तकरीबन 300 रुपये किलो। पहले तो 500 रुपये किलो भी हो गया था, लेकिन अब 300 रुपये किलो। ये गोश्त और प्याज वगैरह, और ये बम्बई मसाला भी। तो ये बम्बई मसाला बिरयानी, ये भी हम डालेंगे, ठीक है। तो ये बहुत सा सामान, तो अभी कुछ सामान कटिंग हो रही है मसाले की, ठीक, प्याज वगैरह की। तो यहाँ पे देग पकाएंगे, तो ये चूल्हा है, ठीक है, और ये है देग। इसमें तकरीबन 12 किलो पक जाएंगे, और ये सूखे दाने, खुश्क दाने, ठीक है, उसको कूटा जा रहा था, और इस चावल को मापा भी जा रहा है। उसके अलावा इसको साफ़ भी किया जा रहा है। साफ़ करने के बाद इसको पानी में तकरीबन 10-15 मिनट हम रख देंगे। तो ये माप के हिसाब से पानी में डाला जा रहा है, ठीक है। तो इसको अच्छी, चावल को जो है अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, आप बिल्कुल देख सकते हो। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। अब गोश्त का साफ़ किया जा रहा है, ठीक है। तो गोश्त को भी अच्छी तरह साफ करेंगे, तकरीबन 4-5 पानी में गोश्त को साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद निकाल कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। और अभी गोश्त को निकाला जा रहा है, साफ़ किया जा रहा है, निकाला जा रहा है, ठीक है। तो अब चावल भी देख सकते हो यहाँ पे पड़े हैं, तकरीबन ये चावल। अब ये हम यहाँ पे आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, और तो देग में तेल लगाया जा रहा है, और आप बिल्कुल देख सकते हो तेल लगाया जा रहा है देग में। तकरीबन 2 किलो लगाए गए हैं, और आग भी लगाई गई है, और लकड़ियां भी डाल रहे हैं इसमें, ठीक है, आप बिल्कुल देख सकते हो। अब देग हमने रख दी है चूल्हे पे, और इसमें तेल भी डाला हुआ है, आयल, ठीक है, आयल डाला हुआ है। तो दो देगों का इत्तमाम किया गया है। तो अभी प्याज डालेंगे देग में, ये माप के हिसाब से डाला जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने प्याज डाल दी है देग में, और अभी दाग आएगा, उसके बाद और जो मसाला होता है वो डाला जाएगा, ठीक है। तो ये बटाटा है, ये डाला जा रहा है, ठीक है, और बटाटा गोश्त दोनों मिक्स करके डालेंगे। और ये मसाला की तैयारी हो रही है एक तरफ, और ये हरी मिर्च, ठीक है। तो अभी दाग आ चुका है, बिल्कुल देख सकते हो। जैसे दाग पक जाता है तो इसमें हम और बटाटा और गोश्त तो डालेंगे, और ये मिर्च वगैरह है, और इसमें नमक भी शामिल किया गया है, और भी मसाले इसमें शामिल किए गए हैं, हेड वगैरह भी इसमें शामिल की गई है, ठीक है। तो इसमें डब्बे में गोश्त और बटाटे पड़े हैं। तो अभी दाग आ रहे हैं, जैसे ही दाग आकर मुकम्मल हो गया है, ठीक है, अब बटाटा और गोश्त तो दोनों को डाला जा रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हो। बटाटा और गोश्त दोनों को एक ही साथ डाला गया है। उसके बाद और जो मसाले होते हैं वो डाले जाएंगे। आप
इस्लामाबाद वैसी बात है डेटिंग दे आप 17 कर दो वो 12 नहीं कर रहे तो क्या है घर वाला नहीं हां हाथ इन घर वाला नहीं बड़ा हरामी गिदावर पूजा का कहते से ना कुछ कच्चा सा अब जो है देखो हम उतारेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फाइनली हम उतार रहे हैं और यहाँ पे दम आएगा इसको, ठीक है। जो टांडे है ये चारों तरफ हम देखो देंगे जब तक इसमें जो भी पानी है वो सूख जाए। तकरीबन ये 10 मिनट के लिए यहाँ इस तरीके से रखी जाती है, चारों तरफ से टांडे रखे जाते हैं, ठीक है। आप बिल्कुल देख सको इस तरीके से। बिल्कुल देख तैयार हो चुकी है।
हाने जो सोको डोई पे फेरेंदे न तक फिलहाल मैं कुछ चेक कर देता हाँ कि खाने में कैसा है। ठीक है, तो फाइनली बैग तैयार हो गई है और मैं चेक कर चुका हूँ। ठीक है, आप इसको लेकर जा रहे हैं तो इंशाल्लाह किस और वीडियो में मुलाकात होगी तमाम जल्द। तो मुझे दे इजाज़त, ओके, अल्लाह हाफिज़। बेबर ए उर्स मुबारक तैयार थी और उर्स मुबारक हम दे पाऊँ रबे अवल दत्त सो चांद मुबारक हो बारह रबे अवल।